जब मेक इन इंडिया कहते हैं तो मेक फॉर इंडिया भी है, क्योंकि 125 करोड़ का देश है, इतना बड़ा मार्केट है। लेकिन स्टार्टअप का मतलब ये तो नहीं है कि हर किसी के पास $1 बिलियन का काम हो रहा है और 2000 लोग काम करें, जरूरी नहीं है। 5 लोगों को भी अगर मैं रोजगार देता हूं तो मेरा स्टार्टअप मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है। एक साइकोलॉजिकल चेंज लाना है कि यूथ के दिमाग में जॉब सीकर की मानसिकता से उसको बाहर लाना है, वो जॉब क्रिएटर बने। और एक बार उसके दिमाग में आ गया कि मुझे 2 लोगों के जिंदगी के बाद संभालना है, वो कर लेगा। ये काम आप नौजवानों के दिमाग से हो सकता है। और इसलिए मैं जब कहता हूं स्टार्टअप इंडिया, तो मैं मान के चलता हूं स्टैंडअप इंडिया। इसके लिए मुझे अलग सोच करने की जरूरत नहीं है। जिस देश के पास 800 मिलियन 35 से कम आयु के नौजवान हो, जिस देश के नौजवानों के पास टैलेंट हो, हाथ में हुनर हो, अपरंपार सपने हो और पूरी दुनिया में अवकाश ही अवकाश हो, क्या नहीं हो सकता है। मानव जात के लिए चुनौतियां आवश्यक हैं, क्योंकि सरफरे लोग तो हैं जो तबाही करने पर तुले हुए हैं, लेकिन हम मानवता को बचा भी तो सकते हैं। हमारे पास इस प्रकार के लोग हैं। और ये भी सही है, भारत के पास मिलियंस ऑफ मिलियन प्रॉब्लम है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे इस बात का भरोसा भी है कि बिलियंस ऑफ बिलियन माइंड भी है। अगर मिलियन प्रॉब्लम है तो बिलियन माइंड भी तो हमारे देश में है। हर स्टार्टअप के पीछे कोई न कोई समस्या के समाधान का इरादा रहना चाहिए। और जब किसी स्टार्टअप के पास समस्या के समाधान का इरादा होगा तो उसकी संतोष का लेवल भी कहीं कुछ और होगा जी। जब किसी की जिंदगी में बदलाव लाता है तो उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। और इसलिए मैं वो कुछ करके दिखाऊं जिसमें मैं जॉब क्रिएटर बनूं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि जिसके कारण किसी की जिंदगी में मैं काम आऊं, मैं वो कच करके दिखाऊं कि मेरे देश को एक कदम आगे ले जाने में मेरा भी कोई योगदान हो। इतना भी अगर सपना लेकर के हम चलते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं।